हेलो एवरीवन, ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड शनयान के साथ होती है, जो कि अभी एक बार आई हुई थी। हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर लिन उसकी इनोसेंस खराब करने के लिए उसकी ड्रिंक में कुछ ड्रग मिला देती है, जिसके बाद शनयान बहुत ही नशे में होती है और तभी वो एक बंदे से टकराती है जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का हीरो गुशाओ है। उसे भी किसी ने ड्रग दे दिया होता है और ये दोनों ही एक साथ एक होटल रूम में आ जाते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब न्यान की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसने इस बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो गुशाओ को देखते हुए सोचने लगती है कि वैसे ये बंदा है बहुत ही हैंडसम। तभी इतने में यहाँ पर न्यान की स्टेप सिस्टर लिन पहुंच जाती है और वो इन लोगों का फोटो खींचने लगती है और न्यान से कहती है कि तुम अपने फियांसे जी चांग को उसके पीठ पीछे चीट कर रही हो और तुम सोच भी कैसे सकती होगी ये सब हरकतें करने के बाद तुम उसकी रिच फैमिली में शादी कर लोगी। तो न्यान इसे चिल्लाती है कि तुम फालतू हंगामे करना बंद करो, जी चांग बस एक मतलबी और लालची इंसान है और ऐसे इंसान से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ लगता है तुम उसकी रिच फैमिली में जरूर शादी करना चाहती हो। और हाँ, तुम अचानक से ऐसे हमारे रूम में कैसे घुसा सकती हो और फोटो भी ले रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम पे केस कर सकती हूँ और तुम्हें जेल हो जाएगी। ऐसा बोलकर न्यान इसे इसका फोन लेती है और वो फोटोज डिलीट करने लगती है, पर इतने में लिन जल्दी से अपना फोन लेने की कोशिश करती है, तभी बीच में गुशाओ आ जाता है और वो इसे चिल्लाता है कि तुम इसे टच करने की सोचना भी मत। फिर फोटोज को डिलीट करने के बाद न्यान इसे इसका फोन वापस कर देती है और कहती है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा वापस की ना तो मैं डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो लिन गुस्से में से कहती है कि तुमने जो सारी हरकतें करी हो ना, ये मैं जी चांग को बता के रहूंगी और वो सिर्फ मेरा होगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर न्यान अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर गुशाओ को दे देती है और कहती है कि कल रात तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। ये कहकर वो चली जाती है और गुशाओ सोचता है कि आखिर इसने मुझे समझी क्या है। फिर गुशाओ होटल से बाहर निकलता है और बहुत सारी कार उसे लेने के लिए आती है। गुशाओ का असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस, आप इस शहर के सबसे रिचेस्ट सीईओ हैं, तो आखिर आप इतने मामूली से होटल में नाइट स्पेंड कैसे कर सकते हैं। तो गुशाओ इसे बताता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिसने कुछ साल पहले मेरी जान बचाई थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुशाओ को हार्ट में पेन हो रहा था और वो बेहोश हो गया था और तभी यहाँ पर न्यान ने आकर उसे CPR देते हुए उसकी जान बचाई थी। और फिर जब गुशाओ को एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था तभी उसने न्यान से उसका नाम पूछा था पर उसने नहीं बताई थी, इस वजह से वो इतने सालों से उसे ढूंढ नहीं पाया था। और अब वो सोचता है कि वो न्यान से शादी करना चाहता है और उसे दुनिया की बेस्ट चीजें देना चाहता है। फिर इसके बाद जैसे ही न्यान अपने घर पहुंचती है तो उसका फियांसी जी चांग उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। न्यान की स्टेप सिस्टर लिन उसे बताती है कि मैंने डैड को और तुम्हारे फियांसी जी चांग को तुम्हारे बारे में सब बता दी हूँ कि तुम कैसे दूसरे मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी, इसलिए अब तुम सोचना भी मत कि तुम जी चांग से शादी करोगी। फिर न्यान के डैड भी उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम इतनी एम्बैरेसिंग हरकत कैसे कर सकती हो, अब तुम्हारी इस हरकत की वजह से जी चांग तो तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या तुम भूल गई कि अगर 25 के होने से पहले तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी मॉम की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। फिर जी चांग भी न्यान को चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी बेकार कैरेक्टर की हो, मैंने अब तक तुम्हारा वेट किया और तुम किसी दूसरे मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप लगाने जा रहा होता है पर न्यान इसका हाथ रोक लेती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे तुम्हारे मकसद के बारे में नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो, तुम बस मुझसे शादी करके मेरी मॉम की कंपनी मुझसे छीनना चाहते हो। और फिर जीजे अपने डैड को चिल्लाती है और कहती है कि जब मेरी मॉम बीमार थी तब आपने उन्हें चीट किया था और अपनी मिस्ट्रेस से शादी करी थी, तो अगर मैंने शादी नहीं भी की ना तो भी मैं अपनी मॉम की कंपनी आपके हाथ में लगने नहीं दूंगी। ये बोलकर न्यान वेडिंग इन्विटेशन कार्ड को जला देती है और जी चांग से कहती है कि अब मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बोलकर वो उसके साथ अपनी शादी तोड़कर यहाँ से चली जाती है। तो उसके डैड उसे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि कितनी बेकार लड़की है, मैं देखता हूँ कि कब तक ये ईगो में रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम न्यान को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ होती है। उसकी असिस्टेंट उसे सजेस्ट कर रही होती है कि गु फैमिली ने फिर से एक न्यू बिल्डिंग खरीदे, क्यों ना हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तभी इतने में हम यहाँ पर गुशाओ को कुछ बॉक्सेस ले जाते हुए देखते हैं और वो अपने असिस्टेंट को चिल्ला रहा होता है कि उसे गलत पार्सल आ गया। तभी गुशाओ यहाँ न्यान से टकरा जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। न्यान सोचती है कि तो वही बंदा है जिसके साथ मैंने उस रात होटल में नाइट स्पेंड की थी, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं इससे फिर मिल गई। फिर न्यान गुशाओ से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करते हो, रात में बार में काम करना और दिन में डिलीवरी जॉब करना। तो गुशाओ से कहने लगता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस ये बॉक्सेस रिटर्न करने आया था। पर न्यान इसकी बात पर बिलीव नहीं करती और सोचती है कि कितना हार्ड वर्किंग बंदा है। और फिर न्यान के मन में एक आइडिया आता है, वो सोचती है कि ये बंदा उसके लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि उसे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसे वो कंट्रोल कर सके और अपनी फैमिली का मुंह बंद कर सके। फिर न्यान गुशाओ से कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी कमी है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो।
ये सुनने के बाद न्यान के असिस्टेंट और गु शाओ भी शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही न्यान को हाँ कह देता है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और गु शाओ तो इतना खुश होता है कि जल्दी से अपनी सेल्फी भी लेता है और वो खुशी से झूमे जा रहा होता है। और न्यान सोच रही होती है कि अनएक्सपेक्टेडली मैंने ऐसे बंदे से शादी कर ली जिसे मैं अभी दो ही बार मिली हूँ। और गु शाओ सोच रहा होता है कि मैं न्यान से शादी करने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैंने इसे क्लियरली कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। मुझे अभी से बता देना चाहिए कि मैं गु शाओ हूँ, इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन। फिर गु शाओ इस बारे में न्यान को बताने जा रहा होता है पर न्यान भी इसे कुछ कहने जा रही होती है तो ये कहता है कि ठीक है पहले तुम कह लो। न्यान इसे कहती है कि देखो मेरे पास पैसे हैं लेकिन तुम इस वजह से स्ट्रेस मत लो, मुझे वैसे भी किसी गरीब बंदे से शादी करनी थी क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वाले रिच बंदे मुझे पसंद नहीं। और फिर ये सब बताने के बाद न्यान इसे कहती है कि अब तुम बोलो तुम क्या कहना चाहते थे। गु शाओ तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने इसे बता दिया तो ये मुझसे तुरंत ही डिवोर्स ले लेगी। फिर ये तुरंत ही बहाना बना लेता है, कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अपना नाम बताने जा रहा था, मेरा नाम गु शाओ है। तो ये सुनने के बाद न्यान शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम गु शाओ हो, इस शहर के रिचेस्ट मैन। तो गु शाओ इसे हंसकर बहाना बनाते हुए कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, कहां मैं और कहां वो वाला गु शाओ। तो न्यान इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है, कहती है कि मैं समझ गई, नाम एक है तो क्या हुआ, तुम लोग अलग अलग पर्सन हो, अलग किस्मत वाले। फिर न्यान इसे अपना नाम बताती है और दोनों ही हैंडशेक करते हैं। फिर न्यान को उसके असिस्टेंट का मैसेज आ रहा होता है, फिर न्यान को उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा होता है और वो इसे कहती है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो आपसे हम लोग फोन से कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ये कहता है कि ठीक है यहाँ से जाने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना। फिर न्यान के यहाँ से जाते ही गु शाओ जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके बता देता है कि ग्रैंडमा मैंने शादी कर लिया। तो इसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुमने अचानक से कैसे शादी कर ली, बताओ मुझे कि वो कौन लड़की है। तो गु शाओ बताता है कि ग्रैंडमा वो शेन ग्रुप कंपनी की सीईओ है लेकिन अभी उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाया हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे किसी भी लड़की पर बिलीव नहीं है, तुम इतने ज्यादा रिच हो कि कोई भी तुम्हें फंसाने के लिए तुमसे शादी कर सकती है, इसलिए मैं खुद पर्सनली जाकर उस लड़की को टेस्ट करूंगी। तो गु शाओ कहता है कि ग्रैंडमा आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर गु शाओ को लगता है कि उसकी ग्रैंडमा इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है तो उसे उन पे नजर रखना पड़ेगा। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे यहाँ पर आने के लिए कहता है ताकि वो इसे न्यान की कंपनी यानी कि शेन ग्रुप कंपनी लेके चले। दूसरी तरफ गु शाओ की ग्रैंडमा गु शाओ से पहले ही न्यान की कंपनी के बाहर पहुंच जाती हैं, वो भी क्लीनिंग ड्रेस में एक क्लीनर बनने की एक्टिंग करके न्यान का टेस्ट करने के लिए कि वो एक अच्छी लड़की है या नहीं। वो कंपनी देखते हुए सोचती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की कंपनी तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिर वो अपना काम शुरू कर देती है, सोचती है कि अब मैं उसका कैरेक्टर टेस्ट करूंगी। तभी यहाँ कंपनी में न्यान की स्टेप सिस्टर लीना ही होती है और गलती से उसके पैर में झाड़ू लग जाता है तो वो गु शाओ की ग्रैंडमा को चिल्लाने लगती है और उन्हें ढकेल देती है। उसे कहती है कि तुम कितनी बड़ी ब्लाइंड हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैंने लिमिटेड एडिशन के शूज पहनी हूँ। और फिर इसके गार्ड्स गु शाओ की ग्रैंडमा को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ कंपनी में न्यान पहुंच जाती है और वो ये देखकर अपनी स्टेप सिस्टर लीन को चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर किसी ओल्ड लेडी को ऐसे बुली कैसे कर सकती हो। तभी न्यान के डैडी से चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है यहाँ पर कुछ भी आवाज उठाने का क्योंकि अब कंपनी तुम्हारी नहीं रही। तो न्यान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब आप मुझसे कंपनी नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर गु शाओ की ग्रैंडमा न्यान को देखते हुए सोचती है कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, कितनी प्यारी है। फिर गु शाओ की ग्रैंडमा इन लोग को चिल्लाने लगती है और वॉर्न करती है कि तुम लोग को पता भी नहीं है कि मेरा ग्रैंडसन कौन है, वो तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। फिर लिन न्यान से कहती है कि तुमने शादी कर ली हो इसका ये मतलब समझ लेना कि तुम अपग्रेड हो चुकी हो, अब मैं तुम्हारे सामने इस क्लीनर को सबक सिखा के बताऊंगी कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो न्यान से कहती है कि मेरा इस ओल्ड लेडी के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो आखिर तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही हो, इन्हें छोड़ दो। तो लिन कहती है कि मैं इस क्लीनर को ऐसे नहीं छोड़ने वाली जब तक ये नील डाउन होकर मुझसे माफी ना मांगे। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुमसे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी, मेरा ग्रैंडसन जब यहाँ पर आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहती है कि ठीक है फिर अपने ग्रैंडसन को बुलाओ, मैं देखती हूँ कि आखिर वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और ऐसा बोलकर वो ग्रैंडमा को एक स्लैप मार के उन्हें नीचे गिरा देती है। तो न्यान कहती है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और वो जल्दी से अपना फोन निकाल लेती है। तो लिन अपने गार्ड्स को कहकर न्यान को पकड़ने कहती है। फिर न्यान लिन को मनाने लगती है कि प्लीज उन ग्रैंडमा को छोड़ दो, देखो मैं उनकी जगह तुमसे नील डाउन होकर माफी मांगती हूँ। तो लिन जाकर ग्रैंडमा का बाल पकड़ लेती है और न्यान से कहती है कि ठीक है फिर तुम नील डाउन हो तभी मैं इसे छोड़ूंगी। तो ग्रैंडमा न्यान से कहती है कि तुम नील डाउन मत होना, मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर पहुंच जाएगा और वो इन लोग को सबक सिखाएगा।
परलिन तो इन्हें मारने वाली होती है, तो ये देखकर नियान डर जाती है और जल्दी से नील डाउन हो जाती है। परलिन फिर भी ग्रैंडमा को नहीं छोड़ती और उनके सर पे पैर रखने लगती है। पर फिर तभी इतने में यहाँ पर गुशाओ पहुंच जाता है और वो इन गार्ड से फाइट करके जल्दी से नियान के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर वो जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को भी चेक करता है और ग्रैंडमा यहाँ पर नियान की फिक्र कर रही होती है। फिर गुशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, वो इन लोग को चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा और मेरी वाइफ को बुली करने की। ऐसा बोलकर ये लिन को एक स्ट्रैप लगाता है और ग्रैंडमा इसे बताने लगती है कि ये लोग ने हमें कितना बुली करे और हमें नील डाउन करने पर भी मजबूर करे। तो यहाँ पर गुशाओ फिर से लिन को स्लैप मारने जा रहा होता है, तो लिन डर के मारे से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो गुशाओ कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा और मेरी वाइफ को बुली किया है, तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर गुशाओ यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाता है और फिर ये लोग लिन को और दो चार स्लैप लगाते हैं और गुशाओ कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा और वाइफ को बुली करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो लिन कहती है कि तुम तो बस उस क्लीनर के ग्रैंडसन हो ना, देखो मुझे कुछ करना मत, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना। तो गुशाओ इसे बताता है कि मैं गु ग्रुप कंपनी का सीईओ हूँ, इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन, और तुमने मेरी ग्रैंडमा और मेरी वाइफ को बुली किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वो भी इतनी आसानी से। तो लिन को बिलीव नहीं होता और वो इसे कहती है कि न्यान इतनी लकी कैसे हो सकती है, उसकी तो जैंग फैमिली में भी शादी नहीं हो रही थी, तो आखिर तुम जैसे रिच बंदे के साथ कैसे होगी। तो ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिलीव करो या ना करो। फिर गुशाओ न्यान के पास आ जाता है और न्याने से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये लोग तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस इन सभी का क्या करना है, तभी गुशाओ जल्दी से बहाना बनाकर न्यान से कहता है कि तुम गलत मत समझो, ये तो बस मेरा फ्रेंड है, जहाँ पर मैं डिलीवरी जॉब करता हूँ ये भी वहीं पर ही काम करता है। और फिर ये अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि मेरी हेल्प करो, फिर असिस्टेंट भी इसके साथ मिलकर एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि हाँ मैं इसका फ्रेंड हूँ और मैं बस इसकी हेल्प करने आया। फिर न्यान कहने लगती है कि ये ओल्ड पर्सन को बुली कर रही थी तो हमें तो इसे जेल भेजना चाहिए। ये सुनकर लिन डर जाती है और तुरंत ही माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे जेल मत भेजना। तो न्यान कहती है कि पहले तो तुम बहुत ही एरोगेंट बन रही थी, अब माफी मांग के कोई फायदा नहीं है, अब काफी लेट हो चुकी है। फिर लिन काफी रोने लग जाती है और अपने डैड से कहने लगती है कि डैड प्लीज मुझे बचा लो। तो डैड यहाँ न्यान को चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम कितनी बुरी हो जो अपने सिस्टर को हर्ट करने का सोच रही हो। तो न्यान कहती है कि जब इसने गलती की थी तब आपने इसकी मिस्टेक्स पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब मैं कुछ कर रही हूँ तो आप मुझे बोल रहे। फिर गुशाओ अपने गार्ड्स को कहकर लिन को यहाँ से ले जाने का कहता है और इसके बाद न्याने से पूछती है कि क्या वो क्लीनर लेडी तुम्हारी ग्रैंडमा है। तो कहता है कि हाँ, और अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी कुछ भी रिवील नहीं करना चाहिए। तो न्यान ये सुनकर कहती है कि तुम कितने अमेजिंग हो, अपनी फैमिली कंडीशन ठीक करने के लिए इतना काम करते हो। और फिर न्यान ग्रैंडमा से कहने लगती है कि अब से आपको क्लीनिंग का काम करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना अब से मैं आपको पैसे कमा के दूंगी। तो ग्रैंडमा न्यान से कहने लगती है कि एक्चुअली मैं कोई क्लीनर नहीं हूँ, और ये इसे बताने जा रही होती है कि इनकी फैमिली कितनी ज्यादा रिच है। पर तभी जल्दी से गुशाओ इनका मुंह बंद कर देता है और इसे कहता है कि मेरी ग्रैंडमा तो बस मजाक कर रही है, और ऐसा बोलकर गुशाओ जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि न्यान अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे अपनी शादी के बारे में बता देती है। तो इसके फ्रेंड शॉक होकर कहती है कि तुमने अचानक से वो भी किसी भी पर्सन से शादी कर ली। तो न्यान इसे बताती है कि ये सब बस मैंने अपने डैड का मुंह बंद करने के लिए करी। फिर इसकी फ्रेंड मैरिज सर्टिफिकेट में गुशाओ का नाम पढ़ती है और इसे कहती है कि तुमने शहर के रिचेस्ट मैन से शादी करी हो। तो न्यान कहती है कि ये वो वाला गुशाओ नहीं है जो शहर का रिचेस्ट मैन है, ये एक डिफरेंट पर्सन है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि वही तो मैं बोलूं कि जो शहर का रिचेस्ट मैन है, मैंने उसके बारे में न्यूज सुनी थी कि वो एक किसी भी लड़कियों से क्लोज नहीं होता है, और वैसे बस तुमने अपने डैड को चुप कराने के लिए शादी कर ली। नान कहती है कि मैं क्या ही कर सकती थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे अपनी मॉम की कंपनी से हाथ धोना पड़ता और वो मेरे डैड ले लेते। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि लेकिन ऐसे तुमने रैंडमली एक डिलीवरी पर्सन से शादी कर ली। तो नान कहती है कि उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो बहुत ही अच्छा है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि वैसे तुम और गुशाओ मिले कैसे थे। तो नान गुशाओ के बारे में याद करने लगती है और उसे कहती है कि वैसे भी अब मेरी और उसकी शादी हो चुकी है, और मुझे कोई रिच बंदा नहीं चाहिए था जो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे फाइट करे, बल्कि मुझे कोई चाहिए था एक ईमानदार और सच्चा इंसान, और गुशाओ वैसे ही है, वो कभी मेरी कंपनी नहीं लेगा। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम टोटली रॉन्ग हो, जो पर्सन दिखने में इतने ऑनेस्ट होते हैं ना, वो सच में ऐसे होते नहीं, बल्कि वो तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुशाओ अपनी ग्रैंडमा के साथ होता है और उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो गुशाओ से पूछती है कि आखिर तुम दोनों अपनी वेडिंग कब रखने वाले हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि क्या तुम न्यान को एक नेम नहीं देना चाहते हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा आप गलत सोच रही हैं, अभी न्यान को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है,
और अगर उसे पता लग गया कि मैं कोई डिलीवरी मैन नहीं हूँ बल्कि इतना रिचेस्ट मैन हूँ, तो वो मुझसे डिवोर्स ले लेगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। फिर गोशा अपनी ग्रैंडमा को समझाने लगता है कि आपको इस बात को थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट रखना होगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को गिफ्ट के तौर पे पूरे 1 बिलियन देना था। ये सुनकर गोशा हंसने लगता है। तभी इसे न्यान का कॉल आता है और वो इसे कहती है कि मैं हमारी वेडिंग न्यूज के बारे में अनाउंस करना चाहती हूँ ताकि मेरे डैड पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर गिव अप कर सके। तो कल फैमिली डिनर होने वाला है तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों चलकर शॉपिंग करने चले। फिर हम देखते हैं कि न्यान गो को उसके ही मॉल में ले आती है और उसने यहाँ पर पहले ही सारे स्टाफ वगैरह से बात करके रखा होता है ताकि ये न्यान को सारी बेस्ट चीज़ें दे सके। अब यहाँ पर स्टाफ इन लोग को बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। जैसे ही गू सूट पहनकर आता है तो न्यान उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। फिर न्यान उसे कहती है कि ये सूट मुझे तुम पर अच्छा लग रहा है, तो ये महंगा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसे तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ। गुशा सोचता है कि इसकी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर स्टाफ न्यान से कहने लगती है कि आप लोग हमारे स्टोर के 100th कस्टमर हैं, इसलिए आप लोग जितनी भी ड्रेस लेंगे वो सब आपको फ्री में मिलेंगी। ये सुनकर न्यान बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तो हम लोग कुछ और ड्रेसेस भी लेंगे। फिर न्यान और भी ड्रेस देखने के लिए चली जाती है और यहाँ पर गुशा स्टाफ से कहता है कि मेरा खानदानी नेकलेस भी यहाँ पर ले आओ, मैं वो अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद न्यान अपनी ड्रेस पिक करके ले आती है और सभी को पैकिंग करने के लिए कहती है। और फिर जैसे ये नेकलेस को देखती है तो इसे बहुत ही पसंद आता है। गुशा कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया है तो हम इसे भी ले लेते हैं, और फिर वो जल्दी से इसे पहना भी देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में फैमिली डिनर के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर न्यान की स्टेप सिस्टर लेनो उसकी बेइज्जती करने लगती है और उसे चिल्लाती है कि फैमिली की बेइज्जती करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। तो न्यान इसे कहती है कि आखिर हमारी फैमिली की इज्जत ही कब थी, और वैसे भी तुम जेल से कैसे छूट गई। तो जीजियांग इसे बताता है कि मेरी फैमिली भी तो रिच है और हमारे लिए किसी को जेल से बाहर निकालना इतनी मुश्किल बात नहीं। फिर न्यान के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अपने साथ इस गरीब लड़की को यहाँ पर लाई भी कैसे, यहाँ पर सिर्फ रिच फैमिलीज का आना अलाउड है जिन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया हो, इसलिए तुम जैसे लोग यहाँ से निकल जाओ, ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है। पर न्यान और गुशा यहाँ से नहीं जाते हैं और न्यान तो जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और गुशा सभी से कहता है कि मेरी वाइफ जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती है और जो चाहे वो ले सकती है, आप लोग इसे रोक नहीं सकते। फिर यहाँ पर जो भी पब्लिक होती है सभी गुशाओं के बारे में बात करने लगते हैं और ये सभी न्यान के पास गु फैमिली का नेकलेस देखकर शक करने लग जाते हैं कि कहीं वो बंदा गुशाओं तो नहीं। लिन ये सब सुन लेती है और कहती है कि तुम लोग को गलत फहमी हुई है, ये बंदा गुशाओं कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नॉर्मल डिलीवरी मैन है। न्यान के डैड भी कहने लगते हैं कि जरूर ये नेकलेस फेक होगा, पर सभी पब्लिक कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इन लोगों ने ये नेकलेस ऑक्शन में देखा था और ये रियल है। फिर लिन कहने लगती है कि जरूर इन लोगों ने इस नेकलेस को चुरा लिया होगा। न्यान कहती भी है कि तुम लोग हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, हमने ये स्टोर से खरीदा है, पर ये लोग इसकी बात पर बिलीव नहीं करते। और लिन और जीचांग मिलकर सभी के सामने इनकी बेइज्जती करते हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई गु फैमिली की चीजें चुराने की, अगर रियल गुशाओ यहाँ पर आ गया ना तो तुम लोग बचोगे नहीं। तो गुशाओ कहता है कि ठीक है हम बैट लगाते हैं, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये नेकलेस असली है और हमने ना कोई चोरी करी है ना कॉपी। पर जीचांग तो फिर भी नहीं मानता और अपने गार्ड्स को यहाँ बुलाकर न्यान के गले से वो नेकलेस छीन लेता है। फिर यहाँ पर गुशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की, और वो तुरंत ही जीचांग को एक पंच मार देता है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर गुशाओ यहाँ पर आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर गुशाओ का कजिन आता है और सभी को ये लगता है कि यही गुशाओ है। जीचांग तुरंत ही जाकर उसे बताने लगता है कि मिस्टर गुशाओ देखो यहाँ पर आपके जगह कोई एक्टिंग कर रहा है और इस चोर ने आपका नेकलेस भी चुरा लिया है। फिर जैसे ही गुशाओ का कजिन उसे देखता है तो तुरंत ही जीचांग को एक स्ट्रैप लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसे चोर कह रहे हो। तो जीचांग कहता है कि ये चोरी तो है, इसी ने आपका नेकलेस चुराया। तो ये इसे एक और स्ट्रैप लगाता है और बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गुशाओ ही है। पर जल्दी से गुशाओ अपने कजिन को साइड में लेके जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को अभी मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करके सारी चीजें कवर अप करो। फिर यहाँ पर गुशाओ का कजिन सभी को ये बताता है कि ये मेरा कजिन है और अगर ये सिस्टर इन लॉ के लिए मेरी सारी ज्वेलरीज भी दे देगा ना तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग होते कौन हो बीच में आने वाले, मेरा कजिन मुझसे बहुत ही दूर ही रहता है तो क्या हुआ, वो हमारे गु फैमिली का ही हिस्सा है और अगर तुम लोगों ने इसे भूल किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर लिन जीचांग से कहती है कि तुम डर क्या रहे हो, इनसे लड़ो, इसका गु फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये बस एक गरीब लड़का है। फिर जीचांग न्यान से कहता है कि तुम इससे डिवोर्स ले लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शादी के बाद कंपनी हमारी हाफ हाफ होगी और मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत ही महंगे ब्राइड प्राइस भी तैयार करके रखा हूँ और ये गरीब लड़का मेरे सामने कोई मैच नहीं है। फिर जीचियांग यहाँ पर एक पेंटिंग मंगवा कर बताता है कि पूरे 100 मिलियन की है
और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर गुशा कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैंने भी गिफ्ट खरीद के रखा हूँ। और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाता है और वो लोग भी वही पेंटिंग लेकर आते हैं। तो जी चांग इसकी मजाक उड़ाने लगता है कि पहले तुमने फेक ज्वेलरी लेकर आए और अब फेक पेंटिंग भी खरीद ली। तो गुशाओ बताता है कि मेरी पेंटिंग फेक नहीं बल्कि रियल है। तो जी चांग कहता है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो जो पेंटिंग को मैंने 100 मिलियन देकर खरीदा हूँ ये फेक है। फिर लिंडी इसका मजाक उड़ाने लगती है, कहती है कि तुम बस एक गरीब से डिलीवरी मैन हो, तुम्हारे पास 100 मिलियन कहाँ से आएंगे इस पेंटिंग को खरीदने के लिए, ये पेंटिंग को तो न्यान भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पर गुशाओ का कजिन सोच नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और उसने उसे मना किया। यहाँ पर लिन और जी चियांग तो गुशाओ का मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं और न्यान सोच रही होती है कि गुशाओ ने मेरे लिए फेक पेंटिंग खरीद लाया ताकि मेरी हेल्प कर सके। वो इन सभी से कहती है कि हम लोग तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, और गुशाओ से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। तो लिन समझ जाती है कि लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन लोग का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम लोग डर रहे हो इसका ये मतलब है कि जी चियांग की पेंटिंग ही रियल है। फिर गुशाओ न्यान को समझाता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें प्राउड फील कराने के लिए लेकर आया हूँ। तो न्यान कहती है कि देखो मैं जानती हूँ इसीलिए कह रही हूँ कि हम लोग चलते हैं, नहीं तो और बेइज्जती हो जाएगी। तो गुशाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो। और फिर ये अनाउंस करता है कि हम दोनों की पेंटिंग में से कौन सी रियल है ये पता करने के लिए मैं यहाँ पर एक्सपर्ट मिस्टर चेन को बुलाता हूँ। तो जी चियांग कहता है कि तुम एक मामले से डिलीवरी मैन हो, आखिर तुम इतने फेमस एक्सपर्ट को कैसे इनवाइट करोगे। तो गुशाओ कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं उसे बुला सकता हूँ। तो जी चियांग भी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने सच में बुला लिए ना तो मैं न्यान को तुम्हें दे दूंगा। तो गुशाओ इसे चिल्लाता है कि न्यान कोई चीज नहीं है जो तुम उसे मुझे दोगे, और वैसे भी न्यान तो मेरी वाइफ है। तो जी चियांग पूछता है कि फिर तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो गुशाओ कहता है कि तुम नील डाउन होकर न्यान से माफी मांगोगे। फिर जी चियांग तो डर जाता है और सोचता है कि कहीं इसकी पेंटिंग रियल हुई तो। पर फिर जब गुशाओ इसे प्रोवोक करता है तो ये कहता है कि ठीक है मिस्टर चेन को यहाँ पर बुला के दिखाओ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि तुम उसे यहाँ पर इन्वाइट कर लोगे। फिर गुशाओ कॉल करता है और वो थोड़ी देर में मिस्टर चेन को यहाँ पर बुला लेता है, और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लिन कहने लगती है कि आखिर ये न्यान के हस्बैंड की क्या आइडेंटिटी है जो इसने मिस्टर चेन को इतनी आसानी से बुला लिया। फिर न्यान इस बार में गुशाओ से पूछती है कि आखिर तुमने इसे कैसे बुलाया। तो ये इसे बताता है कि मैंने इन्हें काफी कुरियर डिलीवर कर चुका हूँ, तो ऐसे हम लोग फ्रेंड्स बन गए, तो इसीलिए वो मेरी हेल्प करने आए। फिर मिस्टर चैन यहाँ पर दोनों पेंटिंग को अच्छे से चेक करते हैं और बता देते हैं कि जी चियांग की पेंटिंग फेक है और गुशाओ की पेंटिंग रियल है। तो गुशाओ चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कुछ चेक करने नहीं आता है, मेरी पेंटिंग रियल है। तो गुशाओ यहाँ पर पेंटिंग के ऊपर पानी फेंक करके प्रूफ करके दिखा देता है कि उसकी पेंटिंग फेक है। फिर सभी पब्लिक जी चियांग को ही चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि जैसा कि उसने शर्त लगाया था उसे अब न्यान से माफी मांगनी पड़ेगी। और सभी को ये भी शक हो जाता है कि गुशाओ कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और वही सच में रिचेस्ट मैन है। फिर न्यान तो इसे पूछ लेती है कि क्या तुम सच में रिचेस्ट मैन हो, देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, मुझे झूठ पसंद नहीं। फिर गुशाओ इसे सच बताने जा रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर एक बंदे को अटैक आने लगता है और वो बेहोश हो रहा होता है। ये देखकर न्यान जल्दी से उसकी जान बचाने पहुंच जाती है और गुशाओ जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है, और वो उस बंदे की बहुत ही फिक्र कर रही होती है और उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है, और गुशाओ भी यहाँ से चले जाता है। और लिन को यहाँ पर शक हो जाता है कि क्या सच में न्यान का जो हस्बैंड गुशाओ है वही शहर का रिचेस्ट मैन है, मुझे पता करवाना होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुशाओ की ग्रैंडमा घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है, और तभी यहाँ पर लिन पहुंच जाती है और वो इन्हें देखकर पूछने लगती है कि तुम तो वही क्लीनर हो ना, तो आखिर तुम मिस्टर गुशाओ के घर पे क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा सोचती है कि गुशाओ ने मुझे मना किया था कि मैं उसकी आइडेंटिटी को भी रिवील ना करूं, इसलिए ग्रैंडमा झूठ कह देती है कि मैं मिस्टर गुशाओ के घर पे क्लीनर का काम करती हूं। ये सुनकर लिन खुश जाती है, कहती है कि मुझे पता था, आखिर न्यान इतनी लकी कहाँ हो सकती है कि उसे मिस्टर गुशाओ जैसे रिच बंदे से शादी करने का मौका मिले। ग्रैंडमा सुनकर इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में बुराई करने की। तो लिन कहती है कि क्लीनर मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, तुम्हारी जो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है ना उसके पास पहले से फियांसी है और वो तुम्हारे बेटे को चीट कर रही है। ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है, वो इसे चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। तो लिन गुस्से में इन्हें पुश कर देती है और फिर ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है, पर तभी यहाँ टाइम पर न्यान पहुंच जाती है और ये लिन को चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडमा को गिराने की। तो लिन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये एक्टिंग कर रही है। तो न्यान से कहती है कि ग्रैंडमा को दिल की बीमारी है। फिर न्यान ग्रैंडमा से मेडिसिन पूछकर उनकी मेडिसिन लाने के लिए जा रही होती है, तो लिन जल्दी से न्यान को पकड़ के रोकने लगती है, सोचती है कि ये ग्रैंडमा मर जाएगी तो मैं न्यान को फंसा दूंगी।
और फिर न्यान यहाँ से कितना जाने की कोशिश करती है पर लीनी से पकड़ कर यहाँ से जाने नहीं देती। और तभी यहाँ टाइम पर गुशाओ पहुंच जाता है और वो लीन को एक स्टैप लगाता है। फिर न्यान से कहती है कि इसे छोड़ो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रैंडमा की जान बचाना है। फिर ये लोग ग्रैंडमा को मेडिसिन देने लगते हैं और लीन यहाँ से भाग जाती है। फिर मेडिसिन पीने के बाद ग्रैंडमा की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है और न्यान गुशाओ और उसकी ग्रैंडमा से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो लोग रिचेस्ट मैन के घर पे क्या कर रहे हैं। गुशाओ तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है और तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो जानती हो कि हम लोग रिचेस्ट मैन के रिलेटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर जॉब दे दी है तो मैं फालतू बैठकर क्या करूंगी, इसलिए यहाँ पर काम करती हूँ। फिर इसके बाद न्यान बहुत ही अपसेट होती है और वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि उसकी वजह से ही ग्रैंडमा की ये हालत हुई है। तभी यहाँ पर गुशाओ आ जाता है, कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। न्यान कहती है कि नहीं, सब मेरी गलती है, अगर तुम टाइम पर ना आए होते तो मैं तो पूरी जिंदगी भर गिल्टी फील करती। गुशाओ कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुरंत ही पहुंच जाया करूंगा। फिर न्यान कहती है कि अब मैं अपनी कंपनी को और सक्सेसफुल बनाऊंगी और लिन को सबक सिखाऊंगी। गुशाओ पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो न्यान से बताती है कि मैं अभी गु फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ ताकि अपनी कंपनी को और एक्सपांड कर सकूँ। तो ये कहता है कि यहीं पर वेट करो और फिर ये साइड में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे न्यान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। इसी वक्त भी न्यान भी अपने असिस्टेंट को इसी काम का ऑर्डर देती है और फिर तुरंत ही न्यान को गुशाओ की कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि वो लोग इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करना चाहते हैं। गुशाओ इसे बताता है कि ये मेरी हेल्प की वजह से हुआ है, तो न्यान बहुत ही खुश होती है और वो गुशाओ को रिवॉर्ड के तौर पे चेक पे केस देती है। और फिर नेक्स्ट डे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाते हैं पर यहाँ पर जी चियांग और लिन भी पहुंच जाते हैं और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगता है। पर आखिर में कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के साथ ही साइन होता है और जी चियांग और लिन बस जेलस हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर न्यान बहुत ही खुश होती है और गुशाओ के साथ बाहर आकर काफी सारी ड्रिंक करती है। वो इतनी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और गुशाओ इसे रोक भी नहीं पाता और फिर वो इसे लेकर घर आ जाता है। न्यान इसे कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं बहुत ही ज्यादा लकी हो गई हूँ। फिर न्यान को इतना खुश देखकर गुशाओ इसे सच बता देता है, कहता है कि मैं ही इस शहर का रिचेस्ट मैन हूँ और मैंने ये बात तुमसे छुपाया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे इस बात के लिए माफ करोगी कि मैंने तुमसे सच छुपाया? न्यान कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम इतने हैंडसम हो कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। गुशाओ बहुत ही ज्यादा खुश जाता है और न्यान इसे किस कर लेती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यान गुशाओ को ही देखे जा रही होती है, तभी वो उठ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कल रात की चीजें याद है? तो ये इसे किस करके कहती है कि ऑफ कोर्स याद है। गुशाओ कहता है कि मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, तुमने मुझे बोली थी कि तुम मुझे माफ कर रही हो। तो न्यान को कुछ याद ही नहीं होता है, वो कहती है कि तुम मुझे वापस से बोल दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। गुशाओ सोचता है कि लगता है इसने मुझे ड्रंक हालत में माफ करी थी, तो अगर मैं इसे याद दिलाऊंगा तो ये और गुस्सा हो जाएगी। तो अभी गुशाओ इसे कुछ नहीं बताता है। फिर हम देखते हैं कि न्यान के कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और गुशाओ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसकी हेल्प करता है। फिर इसके बाद ये लोग कोई पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर जी चियांग और लिन इन लोग की बार बार बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर गुशाओ अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और न्यान को अपने बारे में सारा सच बता देता है और कहता है कि कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो गई? तो न्यान तो गुस्सा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि मैं इस बात पर गुस्सा हूँ कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो गुशाओ इसे कहता है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम्हें रिच लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। न्यान है कि मैंने ये बोली थी कि मुझे रिच लोग नहीं पसंद है, लेकिन तुम तो रिचेस्ट हो तो तुम थोड़ी ना मेरी कंपनी चुराओगे। फिर गुशाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि न्याने से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और यहाँ पर लिन बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है कि आखिर न्यान इतनी लकी क्यों है। फिर यहाँ पर जी चियांग सभी से कहने लगता है कि ये गुशाओ हो ही नहीं सकता और ये फेक है, पर गुशाओ तो इतने महंगे नेकलेस का पेमेंट करके इन लोगों को दिखा देता है कि वो सच में गुशाओ है, इस शहर का रिचेस्ट मैन। फिर सभी का मुंह बंद हो जाता है और न्यान गुशाओ से पूछती है कि तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं? ये कहता है कि अनलिमिटेड, तुम जो चाहे वो खरीद लो। तो न्यान बहुत ही खुश होकर ऑक्शन की सारी चीजों को पोई लगा के खरीद लेती है और लिन कुछ खरीद ही नहीं पाती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुशाओ न्यान को लेकर अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने आया होता है और ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना प्रिपेयर करी हूं। फिर ये लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और ग्रैंडमा इन दोनों से कहती है कि आखिर ये लोग बेबी प्लानिंग कब करेंगे। तो दोनों ही बहुत ही शर्मा जाते हैं और कोई काम का बहाना करके चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तो गुशाओ को सेड्यूस करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाती है पर गुशाओ इसे बिल्कुल भाव नहीं देता और यहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान के डैड कंपनी में जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर न्यान को कंपनी से निकालने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर गुशाओ की मदद से न्यान कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर बन जाती है और न्यान के डैड का प्लान फेल हो जाता है। फिर वो कोई दूसरी प्लानिंग करते हैं। न्यान जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर इसे बताता है कि वो बीमार हो चुकी है और 3 महीने बाद वो मर जाएगी।
ये जानकर न्यान बहुत ही ज्यादा शौक होती है और वो डिसीजन लेती है कि वो गोशाओ को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती है, इसलिए वो उसे डिवोर्स ले लेगी। वो उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती है बल्कि झूठ कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और वो उसे दिखाने के लिए किसी लड़की को किस करने की भी एक्टिंग करती है और बताती है कि यही वो है। गोशाओ ये देखने के बाद बहुत ही अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है और न्यान ये सारी चीजें अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो गोशाओ को अपसेट नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने उसे झूठ बोली। फिर इसके बाद गोशाओ और न्यान का डिवोर्स हो जाता है। पर फिर जाकर न्यान को एक दिन पता लगता है कि उसकी मॉम को असल में उसके डैड ने मारे थे। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है और रिकॉर्ड करके यहाँ से भागने लगती है। तो न्यान के डैड लिन के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं। न्यान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होता है तो न्यान की फ्रेंड इस बारे में गु को बता देती है कि न्यान असल में बीमार है इसलिए उसने उसे झूठ बोल के डिवोर्स ली है। गोशाओ सुनकर खुश होता है और न्यान के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि न्यान के डैड और लिन मिलकर न्यान को मारने के लिए यहाँ पर आग जलाकर चले जाते हैं, पर फाइनली गोशाओ यहाँ पर पहुंचकर न्यान को बचा लेता है और उसे कहता है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और लास्ट तक वो उसका साथ देगा। तभी न्यान से गुड न्यूज देती है कि वो कोई बीमार नहीं है और ये सब उसके डैड की प्लानिंग थी। ये सुनकर ही गोशाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और न्यान को हक कर लेता है और न्यान भी इसे क्लियर करती है कि ये किसी और को प्यार नहीं करती है और सिर्फ उसे करती है। और फिर दोनों ही डिसाइड करती हैं कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।